इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? कॉलकॉम में आने वाले सीपीयू कौन से होते हैं? नंबर क्या होता है? कॉलकॉम में आने वाले सीपीयू एमएसएम। एमएसएम पूछिए कुछ, कौन पूछेगा बोलो। जैसे कि आईएमई से रिलेटेड कोई सवाल नहीं पूछेगा, ठीक है? पूछिए और कोई और सवाल पूछिए, पूछिए। उसके फायर का नाम क्या होते हैं जो हम सिलेक्ट करेंगे फायर और फायर को उसमें नाम क्या रहेगा? एमबीएन। एमबीएन के साथ में और कौन सी फाइल जरूरी है? एमबीएन के साथ और पैच फाइल और पैच फाइल और रॉ फाइल में कौन सी दो फाइल आती हैं? क्यूसीएन और एक विदाउट क्यूसीएन। विदाउट क्यूसीएन जिसमें क्यूसीएन हो उससे क्या फर्क पड़ेगा और नहीं हो तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर क्यूसीएन लेकर हम लोग फ्लैश करते हैं तो बच जाएगा। बेसमेंट मतलब वो आप आईएमई नल नहीं होगा और अगर उस वो नहीं रहेगा तो आईएमई नल हो जाएगा। उसका क्या तरीका है अगर मान लो फाइल नहीं हुई तो? सबसे बेस्ट टूल कौन सा है? यूएमटी। तो ये हमने देखा। और ड्राइवर के लिए कोई पूछेगा? फ्लैश टूल का नाम बताइए। क्यूफिल। कॉलकॉम फ्लैश इमेज लोडर। ड्राइवर कौन से यूज होते हैं? हाँ कॉलकॉम ड्राइवर, वेरी गुड। कॉलकॉम ड्राइवर यूज होते हैं और जो मोड यूज होता है वो कौन सा मोड यूज है कॉलकॉम का? फ्लैश मोड। उसको एक और मोड बोलते हैं ईडीएल मोड। और वो कैसे आता है कॉलकॉम के नॉर्मल फोन में बताओ, Xiaomi की बात नहीं कर रहे। जैसे फोन में क्या दबाना पड़ेगा? पावर की नहीं दबाते और तो कॉलकॉम का जो यूएसबी ड्राइवर है या हम बात करें जो उसका वो बनता है इसको हम बोलते हैं बूट की। क्या है बूट की? वॉल्यूम डाउन, दोनों एक साथ दबानी है। कौन सा मोड है उसको बोलते हैं? और उसमें क्या पोर्ट बनता है? क्यूडी लोडर 9008 ये पोर्ट बनता है। अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर हम बात करें आईएमई रिपेयर करना है, सपोज अगर आईएमई नल आया तो कौन सा पोर्ट एनेबल करना पड़ेगा? डायग्नोस्टिक पोर्ट ओपन करना पड़ेगा। डायग्नोस्टिक पोर्ट इनेबल करने के क्या तरीके हो सकते हैं? इनेबल करने के लिए यूएसबी डिबगिंग पहले तो ऑन करना ही पड़ेगा। दूसरा सीक्रेट कोड और तीसरा है मिरिकल। मिरिकल और चौथा है रूटिंग। रूट अगर मेरे को कॉलकॉम को रूट करना है तो मैं कैसे रूट करूंगा? पहला क्या तरीका है रूट करने का? पहले उसे तो नॉर्मल करेंगे। नॉर्मल रूट जैसे किंगो रूट होता है, जो रूट के एप्लीकेशन होते हैं वन क्लिक रूट जो यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं, TWRP। अच्छा, दूसरा किसका? TWRP। ये होती है रिकवरी जिसमें आपको दो फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है, TWRP और एक सुपर। मतलब TWRP आप रिकवरी डाल के उसको फिर सुपर से क्या करेंगे? फ्लैश। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर ये आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास नेपाल से आए, जैसे कि मुझे बताओ नेपाल से, चले आपने तो बात बहुत सारी बात हो भी चुकी है तो इनके लिए बात जोरदार ताली बजा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। आजा दरअसल आजा, चलिए ठीक है। तो दोस्तों देखा जैसे कि हमारा ये हमारे स्टूडेंट का आउटपुट है और ये इनके सॉफ्टवेयर का है जो 6 दिन का है, जिसमें उन्होंने फ्लैशिंग FRP ME कैसे रिपेयर करते हैं ये देखा। सैमसंग की FRP अगर मैं बात करूँ कैसे कैसे निकाल सकते हैं बताइए? सैमसंग की FRP ओडिन से भी निकाल सकते हैं। ओडिन से भी निकाल सकते हैं। दूसरा अगर ओडिन से नहीं निकला तो? दूसरा ओडिन से निकला मिरेकल से भी निकाल, डाउनलोड मोड पे भी नहीं निकला तो? फिर तीसरा ADB मोड पे निकाल सकते हैं। ADB मोड पे कितने भी तरीके हैं निकालने के? पहला तरीका क्या है? USB ADB फाइल से, ADB फाइल से। और अगर ADB फाइल से नहीं निकला तो क्या होगा? कॉम्बिनेशन से फाइल से निकालना पड़ेगा। ठीक बैठिए, अगर हम बात करें ADB फाइल में कौन कौन सी फाइल आती है? ADB फाइल में एक SBOOT आती है और एक बूट आती है। ये कहां से आती है? ये अपने मॉडर्न ये अपना कॉम्बिनेशन से ही आती है। ADB फाइल में SBOOT और ये फाइल आती है। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि डाउनलोड मोड पे FRP क्यों नहीं निकलता है? वो डाउनलोड मोड पे FRP नहीं, बूट लाते हैं। नहीं, क्योंकि वो MediaTek के CPU को सपोर्ट नहीं करता है और वो ब्रेक हो जाते हैं फोन, इसलिए। तो जैसे इसने देखा कि Samsung की FRP निकाल लोगे, कॉम्बिनेशन फाइल कैसे डालते बन जाएगा। कॉम्बिनेशन फाइल डालने के बाद भी अगर हम बात करें, हमारा कई लोग का फोन फैक्ट्री वापस फैक्ट्री सेट कर देते हैं
और वो फोन एफ आर पी में फिर से आ जाता है तो क्या OEM इनेबल करके सर हार्ड रीसेट कर दें और हार्ड पहले तो OEM इनेबल करें और एक और चीज बैकअप बैकअप को भी रीसेट करें तो ये जरूर करें। तो चलिए दोस्तों ये था एसर टेलीकॉम और जुड़े रहें इसी तरह प्यार बरसाते रहें बादल की तरह जैसे केरल में पानी आया वैसे हमारे यहाँ भी प्यार बरसाइए पानी वैसे भी बाढ़ लाइए पानियों का। खैर ठीक है केरल में जो अभी हालत है उसके लिए हम लोग भी काफ़ी चिंतित हैं और एसर टेलीकॉम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है जितना हो सकता है उचित वो एक आउटपुट देगा उनको और जो डोनेशन में दे सकता हूँ उनको वो मैंने दिया है हालांकि ये चीज़ें बताई नहीं जाती हैं फिर भी क्योंकि हम भी चाहते हैं ये विपत्ति किसी पर भी आ सकती है किसी भी दिन आ सकती है और एज अ ह्यूमन एज अ इंडियन हमें एक दूसरे का हमेशा साथ देना चाहिए ताकि यही इंडिया की एक रीति है ये बाहर के देशों में शायद नहीं होता है ये हमारे देश में ही होता है। ठीक है तो जुड़े रहे चैनल से जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं एसर टेलीकॉम का चैनल। दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हम मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा अपने नए एक ऐप्स में और ये ऐप्स में आपको मिलेगा संपूर्ण स्टॉक रूम सारे मोबाइल फ़ोन की। आपको करना क्या है देवरत्न अग्रवाल लिखना है बिना स्पेस के मेरा नाम और जैसे ही आप ये टाइप करेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर देखिए नया एक मेरा जो ऐप्स है वो यहाँ पर मैंने डाला हुआ है ऑल मोबाइल फ्लैश फाइल डाउनलोड। तो ये ऑल मोबाइल फ्लैश फाइल डाउनलोड को आपको इंस्टॉल करना है ये 1.5 MB का एक ऐप्स है। इस ऐप्स में आपको मिल जाएंगे इंटेक्स नोकिया सैमसंग सोमी वीवो ओप्पो ब्लैकबेरी और भी बहुत सारे आपको फ्लैशिंग फाइल मिल जाएगी। इसमें आपको वन क्लिक की आपको फ्लैशिंग फाइल मिल जाएगी आपको कुछ नहीं करना है। आपको कभी भी अगर स्टॉक रूम डाउनलोड करनी होगी तो आपको करना क्या है इसको ओपन करना है दोस्तों। तो जैसे ही आप इसको ओपन कर लेंगे आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा आपको एंटर टू इंस्टीट्यूट पर क्लिक करना है। अब इसके बाद में दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा फ्लैश फाइल डाउनलोड। तो दोस्तों इस ऐप्स को अभी डाउनलोड करें और आपको जो भी फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी है वो मोबाइल में ही डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसमें होगा क्या कि मोबाइल में फ्लैश फाइल कभी भी जैसे हम इंटरनेट में डाउनलोड करते हैं कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं और IDM नहीं होता है तो हम डाउनलोड करते हैं आधी में रुक जाती है फिर से हमें डाउनलोड करना पड़ता है या 10 बार कई बार लिंकों को हमें क्लिक करना पड़ता है तब जाके वो फ्लैश फाइल डाउनलोड होती है। तो यहाँ पर वो आपको फ्लैश फाइल मिल जाएगी बड़ी आसानी से डायरेक्ट। तो चलिए आपको करना क्या होगा दोस्तों आपको मेन्यू में क्लिक करना है और यहाँ पर आपको चुननी है आपका फ्लैश स्टॉक रूम किसका आपको डाउनलोड करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं Xiaomi। अगर आप Xiaomi की डाउनलोड करते हैं तो आपको Xiaomi पे क्लिक करना होगा और उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे नीचे चले आएंगे आपको उसके साथ में यहाँ पर MI का टूल भी दे दिया है MI का USB ड्राइवर भी दे दिए कॉलकॉम के ड्राइवर भी दे दिए हैं। अब स्टॉक रूम तो यहाँ पे देखिए आपको ये सारी है ना Xiaomi MI3 MI4 MI तो सारी MI4S MI4i MI5 5X 5 MI तो यहाँ पे आपको 5S यहाँ पे MI6 MI Note यहाँ पे आपको सबकी मिल जाएगी और ये है Xiaomi MI Mix तो ये तो सब MI की चली है दोस्तों। इसके बाद में आपको Redmi की मिल जाएगी MI Pad MI Pad 3। अब देखिए यहाँ पे Redmi की चालू हो गई Redmi 1S और ये वन क्लिक में आपको क्लिक बस करेंगे आपको ये डाउनलोड पे आ जाएगी दोस्तों। तो इसको डाउनलोड कीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ अगर आपने Xiaomi की फ्लैश फाइल डाउनलोड करने के अलावा और कोई फ्लैश फाइल डाउनलोड करना है जैसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं नोकिया की तो नोकिया की फ्लैश फाइल कई बार मिल नहीं पाती है आप फोरम्स में ट्राई करते हैं फोरम्स में मिलती है तो नोकिया में आपने क्लिक किया तो दोस्तों यहाँ पर नोकिया की फ्लैश फाइल आपको मिल जाएगी। तो आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर नोकिया 100 101 105 RM मॉडल उसके साथ में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपको नोकिया के बहुत सारे आपको मॉडल मिलेंगे जो आपको वन क्लिक डाउनलोड पे फ्लैश फाइल आपको मिल जाएगी। बात करते हैं माइक्रोमैक्स की। अगर आप माइक्रोमैक्स के मोबाइल का स्टॉक रूम डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये कैसे डाउनलोड करेंगे तो आपको करना क्या होगा आपको माइक्रोमैक्स में जाना है दोस्तों। आपको अगर माइक्रोमैक्स में जैसे मीडियाटेक स्पेक्ट्रम दोनों तरह के CPU मिल सकते हैं मीडियाटेक का यहाँ पे टूल डाउनलोड दिया हुआ है वीकॉम के ड्राइवर दिए हुए हैं सब कुछ है स्पेक्ट्रम का रिसेंट डाउनलोड फ्लैश टूल यहाँ पे दिया हुआ है XCI फ्लैशिंग ड्राइवर यहाँ पे दिए हुए हैं तो सारी चीज़ यहाँ पर है। अब हम बात करें देखिए यहाँ पे आपको वन क्लिक में जैसे आपको करना क्या है जैसे मान लीजिए आपको ये क्लिक करते हैं जैसे मान लीजिए Q300 में डाउनलोड करता हूँ तो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ दोस्तों वैसे ही ये फाइल ओपन मीडिया फाइल में देखिए यहाँ से आप आराम से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देख रहे हैं आपकी कितना आसान है अब स्टॉक रूम को डाउनलोड करना। तो दोस्तों आपको ये ऐप्स से जुड़े रहे हैं क्योंकि इस ऐप्स में इसके अलावा भी इस एक हफ्ते के अंदर बहुत सारी स्टॉक रूम नई फर्मवेयर जो चाइना मॉडल की है जिसमें चाइना फर्मवेयर में मैं अभी ऐप्स में बहुत सारी चीज़ें डाली नहीं है वो अपडेट करूँगा। अब ब्लैकबेरी की बात करते हैं ब्लैकबेरी की फर्मवेयर मिल नहीं पाती है तो जैसे कि हम ब्लैकबेरी को क्लिक किए हमने
और दोस्तों देखिए यहाँ पे ये आपको ब्लैकबेरी की, देखिए आपको ये फर्मवेयर आपको यहाँ पे ब्लैकबेरी की मिल जाएगी, आपको सिर्फ डाउनलोड पे क्लिक करना है। कोई यहाँ पे ऐड नहीं चलते हैं, कोई यहाँ पर बहुत सारे आपको लिंक के क्लिक नहीं करनी है, कोई आपको जो वेट करने वाली लिंक है उसको क्लिक नहीं करनी है। वीवो की बात करते हैं हम, चले मान लीजिए आपको वीवो वी प्लस वीवो वी सेवन प्लस की आपको फर्मवेयर डाउनलोड करनी है, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट मोबाइल है वीवो वी सेवन प्लस। तो देखिए यहाँ पर ये आ गया है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, देखिए वीवो वी सेवन प्लस आपको बस डाउनलोड पे क्लिक करना है और ये फर्मवेयर डायरेक्टली आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। तो दोस्तों इस एप्स को डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको प्ले स्टोर में जाना होगा और यहाँ पर आपको लिखना होगा देवव्रत अग्रवाल बिना स्पेस के। अगर आपको डायरेक्ट डाउनलोड करना है तो इस वीडियो के नीचे लिंक है, आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट ऐप्स आपके में खुल जाएगा। बट आप अगर वैसे जाएंगे तो आपको देवव्रत अग्रवाल बिना स्पेस के, ये स्पेलिंग आप देख लीजिए, बिना स्पेस के आपको लिखना है और फ्लैश फाइल आपको मिल जाएगी। हालांकि इसकी लिंक मैंने नीचे डाल दी है वीडियो के नीचे, डायरेक्ट क्लिक कीजिए, डायरेक्ट इस पर आप आ जाएंगे और इसको आप डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और चलाइए। दोस्तों तो जुड़े रहे चैनल से, तो जुड़े रहे चैनल से, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों हैप्पी रिपब्लिक डे, थैंक यू। मित्रांनो हे सरांची नवीन बुक जी आहे एडवांस मोबाईल चिप लेवल रिपेअरिंग सीखिए, हे 10% लॉन्च झालेला आहे, हे तुम्हाला घ्यायचं असेल तर हे तुम्हाला ऑनलाईन भेटेल। या व्हिडिओच्या खाली तुम्हाला एक लिंक दिलेली आहे, त्या लिंकला क्लिक करा आणि तुम्हाला हे तुम्ही परचेस करता येईल। आता या बुक मध्ये तुम्हाला जे आहे ते पूर्ण डिटेल, जे तुम्ही काम करताय किंवा नाही करताय कंपोनेंट लेवल। हमारी ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एशिया टेलीकॉम सर्च करें, एशिया टेलीकॉम लिखें और एशिया टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफ़ी ऐप्स है जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफ़ी ऐप्स आपको मिल जाएंगे। इसको इन ऐप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। An ISO 9001 and 2008 certified institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.